कोरिया जिले के चिरमिरी में कांग्रेस पार्टी ने चिरमिरी की बंद पड़ी ट्रेनों और बढ़ती महंगाई को लेकर 20 अप्रैल को केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जहां पर कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल ने अपने भाषण में मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल और भाजपा के लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि इनके द्वारा केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और उनके मंत्रियों से बोलकर ट्रेन का संचालन नहीं करने की बात कही गई है, जिस पर भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि अगर वर्तमान विधायक इस आरोप को सिद्ध कर दे तो मैं हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वैश्विक महामारी के बाद जिन ट्रेनों को बंद किया गया था और आज जब सारी प्रतिबंध हट गई हैं, इसके बाद भी यहाँ की ट्रेन, खास करके चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, बिजरी, इनके जनता की बात करें तो इनके पास एकमात्र साधन होता है अपने किसी भी काम में जाने के लिए, इलाज की बात हो, शादी की बात हो। आज जिनका 100 रुपये खर्च होता था, 3-3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और लोगों की हालत ख़राब है। लिटरली आप जाके घूमिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की हालत ख़राब है इन ट्रेनों के नहीं चालू होने से। इसके लिए लगातार 3 बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हमने जाके ट्रेन को रोकने का भी काम किया, DRM के ऑफिस का घेराव किया, इसके बाद भी इन्होंने ट्रेन को चालू नहीं किया। मुझे तो ये पता है कि जो रेणुका सिंह यहाँ की जो माननीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मना किया कि ट्रेन को चालू मत होने दो, उससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मैंने हम लोगों ने तो साथियों ने बोला कि ट्रेन को चालू कर दीजिए, हम सारा का सारा श्रेय रेणुका सिंह जी को देंगे, श्रीफल देंगे, साल देंगे, लेकिन ट्रेनों को चालू करिए। ट्रेन गरीब की रीढ़ की हड्डी है, उनका बैकबोन है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए रुख करते हैं स्टेट एडिटर स्वरूप की ओर। तो कोरिया में कोरोना काल के समय से बंद पड़ी ट्रेनों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है स्वरूप। कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने के टक्कर में है, क्या है मामला? देखिए, चिरमिरी जो एक माइंस का एरिया है, वहाँ सबसे ज्यादा कोल माइंस होने के कारण लोगों के जो बाहर के लोग हैं वहाँ पर पहुंचे हुए, वहाँ अपने सर्विस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको कई बार उनको बाहर भी जाना होता है। दूसरी बात, वो वहाँ के जो आम नागरिक है, चिरमिरी तो क्या एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से बस या उसकी आवाजाही थोड़ी सी कम है, इसलिए कहा जाता है कि ट्रेन जो सफर है, ट्रेन का सफर एक सुलभ है और एक सस्ता सफर है। तो उसमें यदि ट्रेन जो बंद किया गया था, हालांकि वो कोरोना के चलते 2 साल तक ट्रेन तो बंद रही, लेकिन अब कोरोना संक्रमण काल छटने के बावजूद भी दूसरी ट्रेन जैसे आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन चिरमिरी क्षेत्र से एक भी ट्रेन को रवाना या वहां से शुरुआत नहीं की गई है। जो बंद पड़ी थी, आज 2 साल से वो बंद पड़ी है। इसको लेकर कांग्रेस के जो विधायक है, वहां वर्तमान विधायक है विनय जायसवाल और सांसद ज्योत्सना महंत, इन्होंने कई बार पत्र भी लिखा, यहां तक कि ज्योत्सना महंत ने लोकसभा में इस मुद्दे को भी गंभीरता से उठाया है, लेकिन रेल मंत्री ने उनके जैसे महंत, डॉक्टर महंत कहती हैं, कहते हैं कि वो रेल मंत्री भी इस चीज को अनसुना कर दिया। अब विधायक जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी कह रहे हैं, उनका तो सीधा सीधा आरोप यह है कि केंद्रीय मंत्री जो रेणुका सिंह, वो सरगुजा संभाग से ही है, उन्होंने ही इसकी पहल नहीं की है कि ट्रेन को चालू किया जाए। अब इस पहल को लेकर अब भाजपा सीधे तौर पर कांग्रेस पर यह आरोप ये लगा रही है कि रेणुका सिंह ने किसी भी तरह से इस तरह की बात नहीं की है।